Hello everyone, this is Vandana Sarkar. Welcome to your YouTube channel Asaka's Education and I'm back with a new lecture जो कि हम लोग क्लास 11th की लेक्चर की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और उसी क्लास 11th की जो फर्स्ट लेक्चर की वीडियो है आज मैं लेके आ गई हूँ जो कि मैं एकदम मैंने बोली थी बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी तो क्लास 11th की वैसे ही मैं बड़े बड़े लेक्चर्स की वीडियो जैसे जो क्लास की वीडियोज है वो डेफिनेटली मैं डालूंगी। उससे पहले मैं जो टॉपिक्स होंगे उसको मैं कोशिश करूंगी कि पहले मैं क्लियर करवा लूँ छोटे छोटे वीडियोज के द्वारा तो आप लोगों की समझने में ज्यादा ईजी रहेंगे। तो इसीलिए मैं पहले छोटे छोटे जो टॉपिक्स होंगे जो बहुत बेसिक टॉपिक्स होंगे कोई भी टर्मिनोलॉजी होगा तो उसको मैं एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊंगी। देन मैं बड़े जो लेक्चर्स के वीडियो होंगे क्लासेस वो मैं डालूंगी ताकि आप लोगों को इजी रहे क्लास को कनेक्ट करने में। एंड जो आज की जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ज्योग्राफी, ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक की जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन उसी चैप्टर की शुरुआत है। तो उसी चैप्टर में मतलब पूरी चैप्टर ही बोला गया व्हाट इज ज्योग्राफी, उसके ब्रांचेस क्या क्या है, कहाँ से आया है द टर्म ज्योग्राफी एंड ऑल ऑफ दिस ज्योग्राफी के बारे में। तो मैं आज उसी चैप्टर की शुरुआत करने वाली हूँ। उसकी जो मेन पार्ट है जो व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है, इसके बारे में आज ये वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। तो हम लोगों को पता है ज्योग्राफी में पढ़ाया क्या जाता है, अर्थ के बारे में, बेसिकली टोटल अर्थ के बारे में ही हम लोगों को जाना जाता है। तो बेसिकली हम लोगों के अर्थ में क्या है, हम लोगों के अर्थ में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स है, छोटे रहे बड़े रहे, एंड जो फिजिकल फीचर्स होते हैं जैसे कहीं पे माउंटेन हो गया तो कहीं पे प्लेन, कहीं पे डेजर्ट, कहीं पे लेक, कहीं पे कुछ फिजिकल वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा है। एंड इसके ऊपर डिपेंड करके बहुत ज्यादा कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसिएशन भी है। मतलब कहीं पे माउंटेन में जैसा कल्चर है प्लेन एरिया में वैसा सेम कल्चर या फिर वैसा सेम सोशल ग्रुप्स नहीं रहेंगे, तो ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंसिएशन है। वही ज्योग्राफी में वही पढ़ाया जाता है कि एरिया के हिसाब से मतलब रीजियन के डिफरेंस से कल्चरल और फिजिकल के जो डिफरेंसिएशन आते हैं, मतलब कैसे लोग एरिया के डिफरेंसिएशन होने से अपने आप को वही फिजिकल मतलब वो वहाँ के क्लाइमेट से या फिर वहाँ के सॉइल से अपने आप को ह्यूमन कैसे कनेक्ट करके रखते हैं, बेसिकली फिजिकल और ह्यूमन का रिलेशन इंटर रिलेशनशिप क्या है, ज्योग्राफी में वही जाना जाता है कि एरियल डिफरेंसिएशन मतलब अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग फिजिकल एंड अलग अलग कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। तो अलग अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अलग अलग क्लाइमेट या फिर अलग अलग ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट के हिसाब से माउंटेन में लोग कैसे रहते हैं, अपने आप को फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे अपने आप को कनेक्ट करके रखते हैं, कैसे उसका रिलेशनशिप क्या होता है एनवायरनमेंट के साथ, एंड वैसे ही द्वारा प्लेन मतलब ऑल्टीट्यूड या फिर क्लाइमेट के चेंज होने के साथ साथ वहां पे माउंटेन और प्लेन में तो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स डिफरेंट होंगे, तो वहां पे लोग अपने आप को कैसे रखते हैं, तो ज्योग्राफी में यही पढ़ाया जाता है बेसिकली। तो रिचर्ड हर्शोन ने क्या बोला है व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज अ कंसंट्रेटेड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंसिएशन, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से लोग कैसे रहते हैं, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट और कल्चरली कैसे इंटर रिलेशनशिप करके लोग रहते हैं ऑफ द अर्थ सर्फेस। एंड अकॉर्डिंग टू द हिटनर, हिटनर क्या बोला है, दिस आर द बोथ आर द लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ज्योग्राफर्स, हिटनर ने बोला है कि ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फेनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सर्फेस, मतलब डिफरेंट फेनोमेना मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स टाइप ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट में लोग कैसे डिफरेंटली अपने आप को वहां पे मैनेज करके रखते हैं, माउंटेन में या फिर डेजर्ट में जैसे लोग रहते हैं, डेफिनेटली प्लेच्यू एरियाज या फिर माउंटेन एरियाज में वैसे लोग नहीं रहते हैं, मतलब अपने आप को कैसे उस जगह के हिसाब से ढल लेते हैं वही पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में।
तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू द स्पेस, स्पेस मतलब रीजन, पर्टिकुलर जगह, एंड टेक्स अ नोट ऑफ द स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एट्रीब्यूट्स, मतलब वहाँ का पर्टिकुलरली उस रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस टाइप का रीजन है, क्यों वहाँ पे उस रीजन, मतलब उस रीजन में अगर लोग रहते हैं तो कैसे तरीके से रहते हैं, ऑल ऑफ दिस कवर किया जाता है. एंड इट स्टडीज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली पर्टिकुलर किसी चीज का, लाइक सेटलमेंट, सेटलमेंट मतलब वहाँ के लोग किस टाइप से रहते हैं, मतलब रूरल एरिया है या फिर अर्बन एरिया है, या फिर रूरल एंड अर्बन एरिया होंगे तो वो लोग कैसे तरीके रहते हैं, लाइक न्यूक्लिएटेड तरीके से, मतलब बहुत सारे लोग एक जगह में, या फिर आइसोलेटेड, मतलब दूर दूर, जैसे माउंटेन एरिया या फिर डेजर्ट एरिया में होते हैं, दूर दूर बहुत लोग रहते हैं वैसे तरीके से, या फिर पर्टिकुलर लोकेशन क्या पे है, कंसेंट्रेशन ऑफ द फेनोमेना ओवर द स्पेस, वहां पे उस चीज को रहने के पीछे जो कारण होता है, क्यों है वहां पे उस चीज, लाइक माउंटेन एरिया में कॉनिफेरस ट्रीज ही क्यों है, या फिर लाइक समुद्र के पास में लाइक मैंग्रोव ट्रीज ही क्यों होता है, उस चीज की रीजंस निकालना एंड इंटरप्रेट करता है क्यों होता है, इसका कारण ये है, प्रोवाइडिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैटर्न, हर एक चीज का कारण ढूंढता है एंड डेफिनेटली हर एक चीज को एक्सप्लेन भी करता है ज्योग्राफी. तो आई होप वट इज ज्योग्राफी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी. एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज वट इज, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ. नाउ फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी जो टर्म है वो किसने बोला था या फिर कॉइन किया था, दैट इज इराटोस्थेनेस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु कॉइन द टर्म ज्योग्राफी, दैट इज इराटोस्थेनेस, ग्रीक स्कॉलर, जो कि ज्योग्राफी अपने फर्स्ट टाइम कॉइन किया था. एंड ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से आता है, ये आता है ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से, फर्स्ट ऑफ ऑल जियो, जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफोस, व्हाट इज ग्राफोस मीन, ग्राफोस मीन डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरे अर्थ का डिस्क्रिप्शन. मैंने पहले समझाया कि व्हाट इज ज्योग्राफी, पूरे अर्थ को कैसे उन लोग डिस्क्राइब करते हैं, उसका पैटर्न क्या है, रीजन के अलग अलग रीजन होने से वहां पे क्यों वो टाइप का क्लाइमेट है, या फिर उस क्लाइमेट में आप लोग कैसे वहां पे अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से ढल रहे हैं, दैट ऑल ऑफ द थिंग्स ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता. इट मीन्स व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली एंड वेरी ब्रीफली समझाने की कोशिश किया है व्हाट इज ज्योग्राफी एंड हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी. सो आई होप यू विल लाइक द लेक्चर. इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर.